हेलो प्यारे साथियों, ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ एएलपी के जो सेकंड पेपर है सीबीटी 2, उसमें जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन आने वाला है उससे रिलेटेड है। तो अगर आप एएलपी के सेकंड पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन प्यारे साथियों को नहीं पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का कौन सा सिलेबस आने वाला है या सेकंड पेपर में क्या सिलेबस आने वाला है, उन प्यारे साथियों के लिए भी ये वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के से रिलेटेड पोर्शन आने वाला है उसको डिस्कस करेंगे और उसके सबसे पहले टॉपिक के बारे में हम सीखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उनके ऊपर फिर वीडियो के लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं जो सीबीटी 2 है उसमें क्या क्या पोर्शन आने वाला है। सीबीटी 2 को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जो टाइमिंग है वो 90 मिनट की है और टोटल क्वेश्चन 100 है। इसको फिर से चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। इसी में इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो कुछ उन्होंने टॉपिक दिए हैं जिसमें से क्वेश्चन आएंगे उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे और लास्ट है जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। दोस्तों ये वाला पोर्शन है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये पोर्शन आपका टाइम सेविंग भी करेगा और आपको नंबर गेन करने भी हेल्प करेगा। यानी ये इस पोर्शन की अगर आपको पूरी जानकारी हो गई तो सीबीटी सेकंड में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जो सेकंड पार्ट है पार्ट बी, इसमें जो आपके पास ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये क्वालिफाइंग पोर्शन है, इसमें सबको 35% नंबर लाने होंगे, तो ये ओनली एक क्वालिफाइंग पोर्शन है। इसके बाद ये जो तीसरा पोर्शन है जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है जिसके ऊपर बेस्ड है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें ये जो इंजीनियरिंग है उसके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग ये पोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें हमारे पास में ये पांच पार्ट जो हमें दिए हुए हैं, पांच ही टॉपिक्स कवर करने हैं हमें, जिसमें सबसे पहला है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, प्रोजेक्शन एंड वेव्स। तो ये जो टॉपिक दिए हुए हैं इन्हीं के बारे में हमें पूरी डिटेल चाहिए। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो पोर्शन है इस पेपर में ये आपका टाइम भी सेव करेगा और आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने में भी हेल्प करेगा। तो आप ये वीडियो लेक्चर सीरीज को अगर फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इंजीनियरिंग के अगर 10 से 12 सवाल आते हैं तो उनमें से 10 से 12 नंबर ही आप लेके आओगे अगर आपने इन वीडियो लेक्चर्स को फॉलो किया है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे आज ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की। सबसे पहला टॉपिक है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए प्यारे साथियों बात करते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की। आइए प्यारे साथियों अब सीखते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते क्या है। फ्रेंड्स जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं तो उस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए हम जो उपकरण का यूज़ करते हैं या हमें जो उपकरण आवश्यक होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आवश्यक होते हैं, उनको ही ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। एग्ज़ाम में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और किस पोर्शन से मैक्सिमम सवाल आते हैं चलिए जानते हैं। तो वैसे तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट 17 प्रकार के होते हैं और दो मॉडर्न ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ड्राफ्टिंग मशीन और पैरेलल रूलिंग मशीन। हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इन तीनों ही इंस्ट्रूमेंट, तीनों ही उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ड्राइंग शीट की तो इससे क्वेश्चन जो बनता है वो साइज़ का बनता है। तो साइज़ के बारे में पढ़ते हैं, ड्राइंग शीट को कुल 6 साइज़ में डिवाइड किया गया है जिसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है A0, A1, A2, A3, A4 एंड A5। अब इन साइज़ को कैसे गिवन किया जाता है, सबसे पहले आप लेआउट समझें। ये जो साइज़ यहाँ पर गिवन है कुछ इस प्रकार की शीट के लिए गिवन है जिसमें ये इसकी लंबाई यानी लेंथ है और ये इसकी विड्थ यानी चौड़ाई है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखें
चौड़ाई और लेंथ में जो रेशियो होता है, जो रिलेशन होता है, वो होता है 1/2 का। यानी किसी अगर सीट की चौड़ाई 1 मीटर है तो उसकी लंबाई 2 मीटर होगी। यानी आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, विड्थ रेशियो लेंथ, चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात होता है वो हमेशा ये। तो इससे भी सवाल पूछा जाता है कि ड्राइंग शीट की जो चौड़ाई और लंबाई होती है उसमें क्या अनुपात होता है। ठीक है, अब इसके बाद साइज़ की बात कर लेते हैं। तो ये जो साइज़ है वो कुछ इस तरीके से है, विड्थ इंटू लेंथ, यानी चौड़ाई इंटू लंबाई, पहले चौड़ाई लिखी जाएगी और फिर लंबाई। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एक ही साइज़ याद करना है, बाकी साइजेस हम उन्हीं से बना लेंगे। तो A0 साइज़ का जो शीट है वो 841 मिलीमीटर उसकी चौड़ाई होती है और 1189 यानी 1189 उसकी लंबाई होती है। बस आपको यही याद करना है। इसके बाद क्या करेंगे, इधर आप वही लिखेंगे जो पहले लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर यहाँ पर जो लंबाई पहले लिखी हुई है उसका हाफ करेंगे। तो इसका अगर हम हाफ करते हैं तो इसका हाफ कितना होगा, 1100 का हाफ होगा 550 और 89 का हाफ होगा 44.5, लेकिन यहाँ पर हम 44 ही लेके चलेंगे, तो कितना हो गया 594। ठीक है, A2 साइज़ में क्या करेंगे, A2 साइज़ में ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले, इसको बाद में लिखेंगे और इसका हाफ आ जाएगा, तो इसका हाफ कितना होगा 420। ठीक है, 841 का हाफ 420.5 होगा, लेकिन आप 420 लेंगे, स्टैंडर्ड साइज़ यही है। ठीक है, सो अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, अब तो आप लोग सीख गए होंगे, यहाँ क्या आएगा 420 और इसका हाफ आएगा 594 का हाफ क्या होगा 297। ये जो 297 है ये यहाँ पर आएगा और 420 का हाफ 210। इस प्रकार से आप सारे साइजेस, बस आपको पहले साइज को याद रखना है और फिर उसके बाद इस प्रकार से पहले जो आपने विड्थ लिखी है वो लेंथ में आ जाएगी सेकंड में, और जो लेंथ है उसका हाफ हो जाएगा। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, 1/2 रेशो होगा चौड़ाई और लंबाई में। ठीक है, ये कई बार सवाल पूछा गया है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइजेस क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा A0 साइज है या A1 साइज है, ठीक है, या A2 A3 ऐसे। तो अब यहाँ पर ये 210 का आएगा, ये आएगा यहाँ पर, और 297 का हाफ हम यहाँ पर लिखेंगे 148, कितना हो जाएगा 148। तो कुल 6 साइजेस की जो ड्राइंग शीट है वो स्टैंडर्ड ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग कुल 6 साइज़ यहाँ पर गिवन किए जाते हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान रखने हैं और यहाँ पर कैसे आप इनका साइजेस बनाओगे वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, पहला जो साइज़ है वो याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं ड्राइंग बोर्ड की। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, ड्राइंग शीट को अटैच करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है और उस प्लेटफॉर्म को ही कहते हैं ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड क्या है, जो बोर्ड यानी जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट को अटैच करते हैं, रखते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, उसको ड्राइंग बोर्ड कहा जाता है। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की, जो ड्राइंग बोर्ड है वो किस मटेरियल का बनाया जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड को हम सॉफ्ट वुड से बनाते हैं, जिस आता है जैसे पाइन, फर, ओक, और इसको केल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत पूछा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है कि ड्राइंग बोर्ड किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो सॉफ्ट वुड के बनाए जाते हैं जिसमें पाइन, फर, ओक और केल आते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ड्राइंग बोर्ड कैसे बनाया जाता है और देखने में कैसा दिखाई देता है। तो ड्राइंग बोर्ड को 4 से 6 लकड़ी की पट्टियां होती है, उनको आपस में जोड़ करके बनाया जाता है। कैसे जोड़ी जाती हैं अभी मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ।
इस प्रकार से 4 से 6 लकड़ी की पट्टियों को आपस में 2 और पट्टियों से जोड़ करके बनाया जाता है एक ड्राइंग बोर्ड। ये ड्राइंग बोर्ड की बैक साइड है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, वो ये पूछे जाते हैं कि जिन पट्टियों के द्वारा बोर्ड को जोड़ करके बनाया जाता है उनको क्या कहा जाता है, जिन पट्टियों से ये आपस में बंधे हुए हैं इनको कहा जाता है फ्रेंड्स बैटन्स। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, बैटन्स कहा जाता है। और जिन पट्टियों से बना हुआ है ये बोर्ड उनको क्या कहा जाता है, उनको पट्टियां या स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है, इस बोर्ड की लेफ्ट साइड में, तो जब हम इसको यहाँ पर इसको सीधा करेंगे, ठीक है, तो इसको मैं बना देता हूँ। अगर इसको सीधा करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, सीधा करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से हमें बोर्ड दिखाई देगा। ये यहाँ पर नीचे बैटन्स लगी हुई हैं। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक अलग से स्ट्रिप लगाई जाती है, वो किस लिए लगाई जाती है, इस पर टी स्क्वायर चलाने के लिए, टी स्क्वायर को गाइड करने के लिए। तो किस प्रकार लगी होगी वो, कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक अलग से स्ट्रिप लगाई जाती है, जिस पर यहाँ पर क्या होगा, जो टी स्क्वायर है वो गाइड होगा। अभी टी स्क्वायर को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। टी स्क्वायर को गाइड करने के लिए स्ट्रिप लगाई जाती है जिसको एबनी कहा जाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको एबनी कहा जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड में जब हम अभी थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो इसमें ये सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। अगर आप इस लेक्चर के बाद सारे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा पाए तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो जाएगा और आपको लगेगा ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, बोर्ड के साइज़ की अगर मैं बात करूँ, उससे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं टी स्क्वायर पर, क्योंकि जब हम साइज़ यहाँ पर डिसाइड करेंगे तो टी स्क्वायर से साइज़ को याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए पहले मैं यहाँ साइज़ को करने से पहले यहाँ पर टी स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। देखो टी स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर कुछ टी शेप में जोड़ी हुई दो स्ट्रिप, जैसे अभी मैं आपको यहां पर बना के दिखा देता हूं। टी स्क्वायर कुछ इस प्रकार से बनाया गया एक उपकरण होता है। यह हमें हेल्प करता है ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, ये टी स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, दो पट्टियों को आपस में 90 डिग्री पर जोड़कर बनाया जाता है। इसमें ये जो ये वाला पार्ट है इसको स्टोक कहा जाता है और इसको ब्लेड कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो ये वाली साइड है, ये वाली, इसको वर्किंग एज कहा जाता है। ठीक है, ये वर्किंग एज कहा जाता है इसको। ये उपकरण हमें ड्राइंग बोर्ड पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए, जो इसका मेन काम है वो ये है कि ड्राइंग बोर्ड पर हम क्या करते हैं, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इससे फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, इससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं की जाती है। ठीक है, हाँ सेट स्क्वायर की हेल्प से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसका पर्टिकुलर जो वर्क है वो है क्या, ड्राइंग बोर्ड पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। तो ये जो हमने एबनी यहाँ पर दिया था, ये एबनी पर ही ये जो ये हेड है यहाँ पर गाइड होता है, यानी ये रहा टी स्क्वायर। अब इसके बाद टी स्क्वायर के मटेरियल की बात करें तो टी स्क्वायर जो होता है वो हार्ड वुड से बनाया जाता है जिसमें मोहगनी आता है और टीक, ये दो प्रकार की लकड़ियां हैं जिनसे ये टी स्क्वायर बनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइज़ की। तो दोनों का साइज़ यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे याद करना है। जो टी स्क्वायर का साइज़ है वो इसके ब्लेड की लेंथ से गिवन किया जाता है, बहुत ही आसान है। आप देखो, रखा जाता है T0, T1, T2 एंड T3। सबसे पहला जो साइज़ होता है वो 1500 और प्लस माइनस 10। फ्रेंड्स जो मेन साइज होता है वो 1500 मिलीमीटर होता है, उसमें प्लस माइनस 10, यानी 10 मिलीमीटर बढ़ भी सकता है और 10 मिलीमीटर घट भी सकता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा उसमें अगर ये ऑप्शन हुआ तो आप यही आंसर लगाओगे T0 का साइज, अगर वहां पर 1500 है तो आप 1500 आंसर लगाओगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में 1500 प्लस माइनस 10 दिया हुआ है तो ये सही है 1000। दूसरा जो साइज होता है वो 1000 होता है प्लस माइनस 10। अब जो तीसरा साइज होता है वो 700 मिलीमीटर प्लस माइनस 5 और चौथा साइज होता है 500 मिलीमीटर प्लस माइनस 5। तो ये चार साइज होते हैं
किसी टी स्क्वायर के। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टी स्क्वायर कैसे बना होता है, दूसरा उसमें जो पार्ट्स होते हैं उनके क्या नाम होते हैं, तीसरा किस मटेरियल का बनाया जाता है, नंबर फोर साइज़ क्या है, साइज़ भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद यूजेज मैंने आपको बताई है कि ये ड्राइंग बोर्ड पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए काम में आता है। चलिए प्यारे साथियों, अब इसी से बनाते हैं ड्राइंग बोर्ड का साइज। तो ड्राइंग बोर्ड का साइज भी चार प्रकार से दिया जाता है, जिसमें D0, D1, D2 एंड D3 रहेगा, ठीक है। अब इसके जो साइज, इसका जो साइज है, क्योंकि इसकी मोटाई थिकनेस भी है, तो इसका साइज कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, लंबाई लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा मोटाई, इन तीन में इसका साइज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स देखो, वहाँ से आप अगर आपको टी स्क्वायर के याद है, वो टी स्क्वायर का बहुत आसान है, चार साइज हैं, आप बोल के देखो 1500, 1700 और 500, तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। तो यही से उठा के लाएंगे, स्क्वायर के आधार पर ही हम कर सकते हैं। 1500 T0 का क्या है, 1500 लेंथ है, तो यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड की भी लेंथ 1500 ही होगी, और इनटू विड्थ कितनी होगी, विड्थ होगी 1000 और थिकनेस कितनी होगी 25 मिलीमीटर, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि लेंथ पहले वाले की जो लेंथ है वो उठा के लानी है, और दूसरी जो लेंथ है टी स्क्वायर की उसको विड्थ लेना है। इसके बाद यहाँ पर फिर से वही रिपीट होगा, 1000 सेकेंड आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, तीसरे की लंबाई आएगी 700 और ये भी 25 मिलीमीटर यहाँ पर होता है, और तीसरा जो होगा यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, 700 आएगा। आप इससे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, किस पर आप जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे ही याद कर सकते हैं, इनटू 500 आप देखो फोर्थ नंबर का आएगा यहाँ पर, और इनटू यहाँ पर आपको 15 मिलीमीटर इसकी मोटाई हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ पर 500। बस यहाँ पर एक चीज़ और याद करनी पड़ेगी, ये जो यहाँ पर लास्ट वाले D3 की जो चौड़ाई होगी वो 350 मिलीमीटर होगी और इनटू 15। कुल चार साइजेस में ड्राइंग बोर्ड गिवन होता है। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में तीन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा, ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर, ठीक है, जिसमें जो जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और जो सभी इसमें स्पेसिफिकेशन वगैरह थे वो अभी हमने सीखे। अब हम इन तीनों से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में उनको लगाते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाते हैं, जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा है उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर की डेजिग्नेशन क्या है, यानी टी स्क्वायर को किस लेटर से डिनोट किया गया है जब इसको हमने क्लासीफाई किया। तो इसको तो बड़ा इजी सवाल है वैसे, तो यहाँ पर देखा जाए किस से डिनोट किया जाता है, टी से, ठीक है, टी से। ये हमने देखा था कितने प्रकार के होते हैं टी स्क्वायर, चार, T0, T1, T2 एंड T3। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर सेकंड, D0 की माप है। तो सबसे पहला सवाल तो यही होता है, D0 है क्या, ये D0 फ्रेंड्स क्या है, सबसे बड़े साइज का ड्राइंग बोर्ड के लिए यूज़ किया है ये डेजिग्नेशन, अभी हम पढ़ चुके हैं लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे बड़े साइज का कौन सा था फ्रेंड्स, आपने देखा था वहाँ पर, ये था 1500 इंटू 1000 इंटू 25, तो क्या है सेकंड वाला सही है, ठीक है। इसके बाद नंबर थर्ड क्वेश्चन, टी स्क्वायर निम्न में से किस लकड़ी का बना होता है, ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है किस लकड़ी का बना होता है टी स्क्वायर, इसमें चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ओक, टीक, महोगनी, और फोर्थ में जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है सेकेंड एंड थर्ड दोनों। तो हमने देखा था जो टी स्क्वायर है वो हार्डवुड का बना होता है, टीक और महोगनी, इनमें से किसी का भी बना हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ। नंबर फोर है, टी स्क्वायर के स्ट्रोक को गाइड करता है। फ्रेंड्स टी स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर ई शेप का उपकरण होता है जो ड्राइंग बोर्ड पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने देखा था टी स्क्वायर में दो पार्ट होते हैं, स्ट्रोक और ब्लेड, तो स्ट्रोक को गाइड कौन करता है ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, और हमें ऑप्शन दिए हैं बैटन, एबनी, स्ट्रिप्स, नन ऑफ दिस। तो
हमें पता होना चाहिए ड्राइंग बोर्ड में टी स्क्वायर को गाइड करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेफ्ट साइड में स्ट्रिप लगाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एबनी कहते हैं। तो सेकंड वाला सही है। इसके बाद है 420 × 594, किस उपकरण की माप है। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि ये जो डेजिग्नेशन, ये जो साइज़ है वो किसके लिए है, ड्राइंग शीट के लिए, ड्राइंग बोर्ड के लिए या फिर टी स्क्वायर के लिए। अगर ड्राइंग बोर्ड होता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक और डायमेंशन होती क्योंकि थिकनेस हमें गिवन होती, या अगर ये टी स्क्वायर होता तो एक ही यानी लेंथ, ब्लेड की लेंथ से स्पेसिफिकेशन किया जाता है, ब्लेड की लेंथ होती। तो यहाँ पर ये किसकी है, ड्राइंग शीट की है। तो यहाँ से दो ऑप्शन है ड्राइंग बोर्ड, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे। इसके बाद बात आती है A2 ड्राइंग शीट की है या फिर A0 ड्राइंग शीट की है। तो जब मैंने आपको ड्राइंग शीट का साइज़ बढ़ाया था, उसमें बताया था कि आपको सबसे पहला तो यही याद रखना है 841 × 1189, ये आपको याद रखना है A0 साइज़ होता है सबसे बड़ा। फिर मैंने बताया था आपको कि ये यहाँ पर लिख देना है लंबाई की जगह और इसका हाफ करके यहाँ पर चौड़ाई की जगह लिख देना है। तो यानी जो A0 का साइज़ है वो तो ज़्यादा है, ये जो यहाँ पर गिवन है वो ये नहीं है, तो ये भी आंसर गलत है। तो फिर किसका हो गया ये आंसर, A2 ड्राइंग शीट, जो A2 ड्राइंग शीट है वो उसकी डायमेंशन इतनी होती है। नेक्स्ट जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है, ड्राइंग बोर्ड की बंधन पट्टी को कहा जाता है, यानी ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए जो हम स्ट्रिप्स को बांधने के लिए जो पट्टियाँ यूज़ करती हैं, लकड़ी की जो हम पट्टियाँ यूज़ करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एबनी कहा जाता है। नहीं, एबनी तो लेफ्ट साइड में दिया जाता है ड्राइंग बोर्ड के स्ट्रिप्स, नहीं जिनसे वो बनता है ड्राइंग बोर्ड उनको स्ट्रिप्स कहा जाता है, और उनको क्या कहा जाता है, बैटन कहा जाता है। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा है, स्क्रीव तो कभी भी नहीं हो सकता। आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ड्राइंग बोर्ड के लिए कौन सी लकड़ी उपयोग की जाती है। तो ड्राइंग बोर्ड के लिए यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास ओक, पाइन, फर, ये सभी। तो हमने देखा था यहाँ लेक्चर में कि इन तीनों से ही बनाया जा सकता है ड्राइंग बोर्ड, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। तो अब ये आपको बहुत ही ईजी लग रहे होंगे सवाल, ठीक है। टी स्क्वायर का स्पेसिफिकेशन दिया जाता है स्टॉक से, ब्लेड की लंबाई से, वर्किंग एज से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था जो टी स्क्वायर का स्पेसिफिकेशन दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, ब्लेड की लंबाई से, जिसमें आपने पढ़ा था कि T0 की लंबाई होती है 1500 मिलीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ड्राइंग बोर्ड में सामान्यतया कितनी पट्टियों का उपयोग किया जाता है, 2 से 4, 4 से 6, 3 से 5 या 4 से 8। तो मैंने अभी लेक्चर में आपको बताया था ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए जनरली 4 से 6 लकड़ी की पट्टियों का यूज़ किया जाता है, और लकड़ी पाइन हो सकती है, ओक हो सकती है या फिर फर। T1 की माप क्या है, तो T1 क्या है फ्रेंड्स, ये डेजिग्नेशन है किसकी, टी स्क्वायर की, और कौन सी वाली, सेकंड वाली। सबसे पहली कौन सी होती है, T0, ठीक है, और सेकंड होती है T1, थर्ड T2 और फोर्थ T3। पर हमसे पूछा है यानी सेकंड वाला है, तो उसका आंसर क्या है, 1000 ± 10। तो हमने जो 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए। अगले वीडियो लेक्चर में हम अगले 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उनके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं।